यस सर, बेटा बाहर एक लड़की बैठी है, उसे अंदर भेज दे। थैंक यू। आप कैसे? सर मैं भी इंटरव्यू के लिए आई हूँ। लेकिन आपके हालात से तो नहीं लगता। आपकी एजुकेशन? सर मैंने एमबीए किया होगा। ओह, आपने एमबीए किया? तशरीफ रखिए। आपके डॉक्यूमेंट्स? ये तो थे आपके डॉक्यूमेंट्स। अब आपके पास कोई गिफ्ट या कोई सिफारिश? सर मेरे पास सिर्फ एक ही सिफारिश है। वो कौन सी? वो मेरे खुदा की है। सर मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। सर मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय टैलेंट के। सर मुझे मेरे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। अगर आप चाहें तो ये जॉब मुझे मिल सकती है, और मैं अपने बाप का सहारा बनना चाहती हूँ। सर बेटा मैं बहुत गलत करने जा रहा था। आपसे पहले जो आए थे आप उनसे बहुत बेहतर है। यह हक आपका बनता था और आपको ही मिलना चाहिए था। मैं चंद रुपयों की खातिर आपका हक किसी और को देने जा रहा था। सर हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हम सब बराबर हैं। सर अमीर हो या गरीब, जिसका हक है उसी को मिलना चाहिए। तो बेटा ये सब आपने कहाँ से सीखा? ये बातें मैंने अपने माँ बाप से और बाइबल से सीखी है। वेरी गुड। हमें चाहिए कि हम सबको अपलिफ्ट करें। अगर हम अपलिफ्ट करेंगे तो खुदावन हमारा खुदा हमें अपलिफ्ट करेगा, और अगर हम किसी को लेट डाउन करेंगे तो हम खुद ही लेट डाउन हो जाएंगे। ये जॉब आपको ही मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो तो उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अकलमंदी हासिल करेगा।